पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ए गोटे कंडीशन अच्छे से जे हार्मोनल इंबैलेंस सकासे हुए ए कंडीशन रे मुख्य थ्री क्राइटेरिया सछंती अच्छा फर्स्ट क्राइटेरिया जे होउची बॉडी रे मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन हार्मोन एक्सेस हबा ए सकासे पिंपल्स बेसी हेई पारे फेस रे बेसी चुट्टी उठिबा स्पेशली अपर लिप्स एरिया रे चिन एरिया रे uh, बेसी चुट्टी उठिबा हिर्सिटिज्म जटा को कहउछंती से हेई पारे कि हेयर लॉस बेसी लस पारे स्पेशली फ्रंटल एरिया फ्रंटल एरिया रे हेयर लॉस कि हेयर लाइन रिसीड पारे हो पाए हेल हरमोन एक्सेस् हबार सीमटम्स सेकेंड क्राइटे मेंस्ट्रुअल इगुलाट मेन्ट्रोल्स डिले हो पारे कि ब्लीडिंग बेसी कि कमी हो पाए याँच मेनस्ट्रोल इगुलालारी थर्ड क्राइटेरिया अच्छी अल्ट्रासाउंड रे ओवरीज रे मल्टीपल सिस्ट देखा जाए जोटाक कहि पॉलीसिस्टिक ओवरी तीन क्राइटेरिया रे य्राइटेयी टू क्राइटेरिया फुलफिल सो

एमती uh, भी जरूरी नहीं कि मेस्ट्राइल इरेगुलारी सब पेशेंट को आसेंट पेसेंटस मेस्ट्राल इरेगुलारी आसे ट्वेंटी परसेंट पेसेंट विदाउट मेस्ट्राल इरेगुलारी भी कंडसन प्रेजेन्ट हो अदर सीमटम्स आसो माने मेल हरमोन एक्सेस हमार सीमटम्स जो कह, कही कि पिंपल्स फेस uh, रे बस हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेन्टेसन स्की टी कला पड़ जायल हेयर्स बढ़ी जब सीमटम्स आसे पीसीओएस हो मेन कारण हो इसुलीन ऋजिस्टेन्स आज कल रफस्टाइल सकाशे झील मानक पु मानक व्वेट बढ़ी जाट जदि बढ़ीज इनसुलीन रेजिस्टेंस हो जाए माने इनसुलीन बॉडी रे लेकिन से काम कर से सकाश से इनसूलीन लेवल्स बॉडी रे बढ़ी जाए यही जो बड़ा बढ़ इनसूलीन अच्छे हाई एक्सेस लेवल ऑफ इनसुलीन हार्मोन अच्छी से ओवरीज रे के सेठी प्रोलिफरेशन के मल्टीपल सिस्ट डेवलपमेंट कर दिए नर्माली झी मान रे गोटे एग से डेवलप हुए मैच्योर हुए ओविलेशन हुए पीरियड्स रेगुलर। लेकिन ओवरी सिंड्रोम रे खूब सारे सिस्ट डेवलप हो जाए और कई भी सिस्ट पूरा मैच्योर हो सकाशे यानी ओविलेसन हो पीरियड्स भी इेगुलर हो जाए सेकेंड जे मेन कारण अच्छी से हूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से गोटे ब्रेन रो हार्मोन अच्छी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल बढ़ी जाए ताको, से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी जाए के ओवरी व्वल्स थिक थिका सेल्स को थक कर दिए से ही मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन लेवल बढ़ी जाए बॉडी में जे ताको जो फेशियल हेयर्स एक्ने ये सब प्रॉब्लम आसे डायग्नोसीस्त सब मेन अच्छी हार्मोनल टेस्ट सब इम्पोर्टाट हार्मोनल हर्मोनाल से पीसीओएस भी मेनली दी प्रकार थे प्राइमरी पीसीओएस और सेकेंडरी पीसीओएस प्राइमरी पीसीओएस जो जेनेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस सका से हुए सेकेंडरी पीसीओएस पीसीयूएस केवे केवे दूसरे प्रॉब्लम सका से पीसीओएस हो जाए मैंने एक्रोमेगाली एक्सेस कुशिंग सिंड्रोम ये दूसरे हरमोनाल डिअर्डर रेयर अच्छा भी ओवरी सिंड्रोम हो पाए सकासे सकाशे रो हार्मोनल टेस्ट करवा दरकार ये हार्मोनल टेस्ट पीरियड्स टाइम रे ही करा जाए पीरियड्स टाइम रे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन थेड ये सब टेस्ट हुए सेकेंड इंसुलिन ऋजिस्टेन्स सकाशे ये जो पेसेंट अच्छे रो कलेस्ट्रोल बढ़ रिस्क थाए था ब्लड शुगर टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करा कराए अल्ट्रासाउंड इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट टू नो कि ओवरी साइज रईज के ओवरी रे सिस्ट डेवलप रतस् डेभलप होंडोमेट्रिय लाइनिंगमती अच्छी सब टेस्ट किया जाए यह हिसाब से ट्रीटमेंट भी डिसाइड किया जाए मेन जो कज अच्छी पॉलीसीस्टिकंड्रोम रे हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्सुलीन रेजिस्टेंस कौन होउची वेट गेन सकासे तो मेन जो कॉर्नर स्टोन होउची से होउची वेट लॉस। वेट लॉस भी हेल्दी तर, तरीके से वेट लॉस लस कर होए कि क्रैश डाइट दबा कि खूब जिम से सस्टेन वेट लॉस हो तो लॉस लसपी अपने कैलोरी डेफिसिट माने लो डाइट ने पे रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आदि दरकार हाँ इन्सुलीन रेजिस्टेंस ब्रेक करने खूब मेड भी अच्छा से पेशेंट टू तो पेशेंट वेरी कै के पेशेंट कई प्रकार से हिसाब से आम डीड करूचु कि मेडिसीन दि जाए पेशेंट पेसेंट्र एटा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इनसुलीन ताको इगुला सीवियर केसेस रे जदि हार्मोन इंबैलेंस खूब बेसी थाए तो हार्मोनल पिल्स दिया जाए कोर्स थ्री टू सिक्स रो थाए य हरमोनाल ट्रिटमेंट सकाशे जो हार्मोनल इमेंस से बैलेंस आसी जाए केबे केबे मेल हार्मोन लेवल जो बेसी हम हाँ तो मेल हार्मोन ब्लॉक करीबा पाई भी मेडिसिन अच्छा से भी दिया जाए पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इटा मेन जे हो से जो आप जानी चोदी कि फर्टिलिटी माने प्रेगनेंसी टाइम रे भी प्रॉब्लम आसी पारे आ, पीसीओएस रे ओविलेसन हो प्रेगनेंसी प्रेगनेसी माने इनफर्टिलिटी सब पेशेंट को नाई बट इनफर्टिलिटीपा से इेगुलर पीरियड सकाशे इनफर्टिलीट पारे जदि भी प्रेगनेट हेले तो मिसक्यारेज हबार भी चांसेस बढ़ी जाए यही माने रे प्रेगनेंसी हबार पर भी प्रेगनेंसी डायबिटीज प्रेगनेंसी रो ब्लड प्रेशर अर्ली डिलीवरी डेलीवरी सब चांसेस भी यही रे बेसी थाए आ गोटे जिनस कि ओवरी सिंड्रोम सब समस्त जानी कि एटा हार्मोनल प्रॉब्लम अच्छी से मेनली प्रेगनेंसी रिलेटेड कि पीरियड्स रिलेटेड या नहीं आगुक जाए यही को डायबिटीज रो रिस्क खुब बढ़ी जाए कारण इन्सुलीन रो रोचे तो रो कलेट्रोल हार्ट प्रॉब्लम रिस्क हार्ट प्रॉब्लम रिस्क यही पेशेंट माने को बेसी थाए किसी किसी प्रकार रो कैंसर मानने एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क भी पेशेंट रे बेसी थाए कारण ताको तक हार्मोन बॉडी रे बेसी थाए से सका से एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क भी पेशेंट रे बेसी थाए क्योर इज नॉट पॉसिबल बट ये कंडीशन खूब टाइम रे सेल्फ रिसलिंग सेल्फ लिमिटिंग थाए जदि आपड़ वेट लॉस लस्कर इनसुलिन ऋटेन्स ड्रप हो इंसुलिन लेवल्स कमी आसजब तो ओवरी रे रेज सिस्ट जो भाजे से भी

बैलेंस डाइट मानने फिक्स गुड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर्बोहड्रेट्स एंड फैट एम दरकार सैचुरेटेड फैट्स जे तेल जिन फ्राइड आइटम्स ए कमी करें रिफाइंड सुगर्स व्व सुगर्स ए कमी करेंगे फास्ट फूड जंक फूड तो समस्त जानी से अवॉइड करेंगे आ फूड रो टाइम टू टाइम ना दरकार एमती नुह कि पूरा जो क्राश डायट जदिदे वेट लॉस तो हाब लेकिन सस्टेन्ड नुह से वेट लॉस एंड फुड्रे भेजिटेबल्स फ्रुट्स र्वांटीटी बढ़ाई देते कारण जी आप डायट करेंगे तो फाइबर्स बडी भिटामिन्स दरकार तो रे जब आप डायट करूँ भल कि एडिकुएट अपन काकुड़ी टमाटर गाजर फ्रुट्स सिजनाल फ्रुट्स अच्छा से ने कलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज हरमोन रिलेटेड प्रोब्लम यही एंडोक्रानोलोजिस्ट को भी रोल रोच प्रेगनेंसी समय रे गायनेकोलॉजिस्ट को भी रोल रहूची और वेट लॉस पै डाइटिशियन के न्यूट्रिशनिस्ट को भी रोल रहूची और जदी आपण को मेस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होउची की फेशियल हेयर पेसिया सुची पिंपल्स होउची तो आपण एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे विभिन्न रोगर कारण ओ निराकरण संपर्क रे डॉक्टर गठरू स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो YouTube सब्सक्राइब करंतु